दोस्तों पंजाब दे विच होण वाला PSTCL वालों जिहड़ा पेपर सी उहदा फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है जिहदे विच दस्या गया है कि रिक्रूटमेंट फॉर 12 नंबर कैटागरीज ऑफ पोस्ट दैट इज़ AEOT इलैक्ट्रिकल सिविल अकाउंट ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर ते ये सारिया पोस्ट्स ने जिवें कि क्लर्क की हो गई तो JEE सिविल वगैरह दी जिहड़ियां पोस्टां हन फाइनली आ गई हैं इन पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड। नाउ इंपॉर्टेंट डेट्स, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, ओपनिंग डेट है 26 तरीक चौथे महीने तो शुरू हो रहा है तो जिहड़ा लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का उस 17/5 नूं खत्म हो जाएगा। उस तो बाद लास्ट डेट फॉर डिपोजिटिंग फी एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टैप 2 जिहड़ा है ये 19/5 तरीक नूं है। तो इस तो बाद जो तुसीं डिटेल्ड इंस्ट्रक्शनस लैनिया ने उहदे लई www.pstcl.org ते तुसीं लॉगिन कर सकते हो, लेकिन इस दे विच साडे कोल ऑलमोस्ट पूरा नोटिफिकेशन है जिहदे विच इन्हां ने नंबर ऑफ दित्तियां होईयां हन पोस्ट, जिहदे विच असिस्टेंट इंजीनियर दियां 43 नंबर ऑफ पोस्ट्स ने जिहदे लई सानूं लोड़ है फुल टाइम रैगूलर BE BTECH यानी कि फिर ये हो गया टैक्निकल एजुकेशन वाले वास्ते। उस तो बाद जिहड़ा OT है असिस्टेंट इंजीनियर इहदे लई भी सिविल इंजीनियरिंग इन्हां ने मंगी हुई है। दैन अकाउंट ऑफिसर CA चाहिदा है अकाउंट ऑफिसर दे लई, असिस्टेंट मैनेजर HR 2 ईयर फुल टाइम रैगूलर MBA डिग्री चाहिदी है इन्हां नूं। उस तो बाद असिस्टेंट मैनेजर वास्ते भी इन्होंने BE या BTECH रखी हुई है क्वालिफिकेशन। डिवीजनल अकाउंटेंट वास्ते BCOM, जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन वास्ते 3 to 4 ईयर डिप्लोमा इन इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दैन जूनियर इंजीनियर सिविल वास्ते BE BTECH, जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन 13 नंबर दे लई फिर तो डिप्लोमा, टेलीफोनिक मकैनिक मैट्रिक अते ITI तो 2 साल दा रेडियो मकैनिक अते वायरलैस मकैनिक दे ट्रेड विच यानी कि ITI चाहीदी है। उस तो बाद आ गया लोअर डिवीजन क्लर्क टाइपिस्ट, मोस्टली बच्चे जिहड़े हैगे हन ग्रैजुएट इसनों ही फिल करोगे क्योंकि यह क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट काफ़ी बच्चों की होगी जिस विच इन्होंने बैचलर्स डिग्री मंगी हुई है विद मिनिमम ऑफ 50% ऑफ मार्क्स। इस तो इलावा कंप्यूटर का ही कोर्स होना चाहिए किसी वधिया रिकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन तो किया हो। 17 नंबर तो लोअर डिवीजन क्लर्क जिदे इन्होंने मंगी हुई है बैचलर ऑफ कॉमर्स कि इन्होंने BCOM मंगी हुई है। उस तो इलावा पंजाबी पास्ट अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड होना चाहिए हैगा। तो उस तो बाद इन्होंने दस्या है कि उपरोक्त असामिया तो नियुक्ति उपरंत परखकाल का समय यानी कि 3 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड हैगा, 3 ईयर के प्रोबेशन पीरियड तो बाद ही पक्का किया जाएगा। तो नोट लेबर रेट पोस्ट के अनुसार लागू होगा। उस तो बाद PSTCL रिजर्व इट्स राइट टू इनक्रीज डिक्रीज द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एज इंडिकेटेड अबव और कैंसल द एंटायर पार्शल रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द सेट CRA 10/20/21 यानी कि नंबर डिक्रीज इनक्रीज करने का पूरा राइट उसके कोल है अपने कोल। फॉर ऑल डिटेल्स वंस फिल्ड कैन नॉट बी एडिटेड अमेंडेड आफ्टर फीस सबमिशन की फीस सबमिशन तो पहला चंगी तरह उसनों पढ़ के ही फिल किया जाना चाहिए है। नॉलेज ऑफ पंजाबी इज़ मस्ट, एज लिमिट जी है इन्होंने लिए 20 to 37 साल है जोड़े इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स उन्होंने लिए, तो जोड़े बाकी क्लैरिकल आ गया या 18 to 37 साल रखी है इन्होंने एज लिमिट यानी कि 37 तक है। उस तो बाद इन्होंने रिलैक्सेशन वगैरह जी कि ऑलमोस्ट होंगी ही है सारे ही दी है सेम ही। इस अलावा सिलेक्शन प्रोसैस, कैंडिडेट मस्ट एक्वायर रिक्वेस्टेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द क्वेश्चन पेपर फॉर ईच नंबर ईच ऑफ द 12 नंबर कैटागरीज ऑफ पोस्ट शिल कंसिस्ट ऑफ 100 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद अ प्रोविजन ऑफ नैगेटिव मेकिंग मार्किंग ऑफ अ रोंग आंसर। नैगेटिव मार्किंग है क्वेश्चन जोड़ा है यदा पेपर का थोड़ा स्टाइल दिता है जिदे लोअर डिवीजन क्लर्क की गल करिए स्टैटिकरण GK बेसिक कंप्यूटर लॉजिकल रीजनिंग जनरल इंग्लिश वगैरह के सारे सब्जैक्ट हैं। द मैरिट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द ऑनलाइन टैसट, तो ऑनलाइन टैसट की गल कही गई है। हूँ ऑनलाइन टैसट होगा कि रिटर्न यही तो बाद ही पता लग पाएगा सानू। ऑनलाइन टैसट बारे लिखा हुआ हैगा या टाइम वेन्यू वगैरह बाद पता लगेगा। प्लेसमेंट हाउ टू अप्लाई करने वास्ते बाद भी सारा प्रोसीजर आ जाऊगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस बाकी जी फीस जी है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ फीस, ऑल कैटागरीज एक्सैप्ट EWSSC एंड परसन विद डिसेबिलिटी। सो जनरल वास्ते
1200 रुपये फीस, तो टोटल मिला के 1416 प्लस बैंक चार्ज नीयर अबाउट 1500 का खर्चा आ जाऊगा। एस सी कैटागरी परसन विद डिसेबिलिटी तो EWS लिए घट है, जिमें कि हमेशा ही घट होंगी है। तो अदर कंडीशन एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट यही है मेन तो ये, बाकी इन्होंने दसिया होया है कि लोअर डिवीजन कलर्क यानी कि जो भी है अंडर रिजर्व कैटागरी लिए फीमेल लिए कितनी रिजर्वेशन है, लोअर डिवीजन कलर्क की गल करिए 39 पोस्ट अंडर रिजर्व लिए हैं, 15 फीमेल लिए रिजर्व की हुई हैं। चलो बस आज का तो यही है मेन, बाकी डिटेल्स जो हैं सानू हौली हौली पता लग जाऊंगी। तो इस अगर तुम इस चैनल पर नवे हो तो प्लीज़ इस चैनल सबसक्राइब कर लियो, तो बैल आइकन जरूर दबा लियो।